अब्दुल वाहिद। कहाँ से? दिल्ली से। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? इंडिया अलायंस की, बिल्कुल कन्फर्म। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया? मोदी जी काम करें ना करें, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इलेक्शन का जो चंदा था वो लाखों करोड़ हजारों करोड़ नरेंद्र मोदी जी के पास आया और नरेंद्र मोदी आराम से रख के बैठ गए, अपने आलीशान बिल्डिंगें बनवा लिए, ऑफिस बनवा लिए, कई कई हजार करोड़ रुपए का एक एक ऑफिस है। अरे भाई, वो हजारों करोड़ रुपए के जो ऑफिस बनाए हैं ना, ये जो गरीब फुटपाथ पे फिर होते हैं ना, चांदनी चौक के सोते हैं और यहाँ लाइन में लगते हैं, अगर इनके लिए रैन बसेरा पक्का बनाकर फ्लैट नुमा इनको दे दिया जाता तो चांदनी चौक साफ सुथरी नजर आती, दिल्ली की शान नजर आती। लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये बात तो सही है, दुनिया में इससे बड़ा झूठ आज तक किसी ने नहीं बोला जो नरेंद्र मोदी ने बोला है कि सबका साथ सबका विकास। अरे कपड़ों से तो वो पहचानने लगते हैं, यह साथ की बात है, यह साथ की बात है। कुत्ते का पिल्ला कार के पहिए के नीचे दब जाए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं कहा? तो भाई ये साथ की बात है, ये विकास की बात है। और रही विकास की बात, नरेंद्र मोदी जानते ही नहीं विकास किसे कहते हैं। विकास तो ये जानते हैं जो यहाँ दुकानों पर बैठे हुए हैं दुकानदार। लेकिन एक तरफ 370 आर्टिकल लड़ा दिया, उस पर कुछ नहीं है? अरे भाड़ में गई 370 आर्टिकल, मुझे उससे क्या फ़ायदा हो रहा था? मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो सवाल कश्मीरियों से होना चाहिए। नफ़ा उनका हुआ, नुकसान उनका हुआ, मैं उसका जवाब क्यों देने लगा? अगर नरेंद्र मोदी का कोई फ़ायदा हुआ होगा तो वो बताएंगे कि भाई हाँ फ़ायदा हुआ है मेरा, ये मेरा तो ना फ़ायदा ना नुकसान। मैं तो जिस तरह दिल्ली में पहले रहता था उसी तरह आज भी रहता हूँ। बेरोजगारी एक मुद्दा बनता जा रहा है, बेरोजगारी एक मुद्दा बनता जा रहा है, आपको क्या लगता है बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो इतनी है, मेरी 73 साल की उम्र है, मैं कारखाने में पल के बड़ा हुआ हूँ, मेरा कारखाना बंद हो गया, कारखाना बंद हो गया नोटबंदी के बाद। यह है कारोबार का हालत, बेरोजगारी आएगी नहीं तो क्या होगा? अरे कारखाने बंद हो रहे हैं, छोटे दुकानदारों को काम करने नहीं देते, जरा सा इसने छज्जा निकाल लिया, कारपोरेशन भेजती है बिल्डोजर, वो तोड़ के चले जाता है, उस दुकानदार ने तीन शेड जरा सा आगे बढ़ा लिया 2 फीट 4 फीट, तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिल्डर हजारों करोड़ की सोसाइटियां बनाते हैं वो नहीं टूटती। यह है सबका साथ, यह है सबका विकास। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? इंडिया अलायंस, बिल्कुल कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, 2019 में अपोजिशन बिल्कुल मुंतशिर था, एक नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ामों के अंदर पूरी तरह घिरी हुई है। नरेंद्र मोदी जो जब आवाम के बीच आएंगे ना, जब सवाल होंगे तब पता चलेगा कितना जवाब दे पाते हैं। पूरे करप्शन में सर से पैर तक लिप्त है ये सरकार और यह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह जानते हैं और हम आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने 2019 में इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, अपोजिशन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था, क्योंकि वो जानते थे हम जीतेंगे नहीं, खाना पूरी कर रहे थे। और उन्होंने, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 2024 में भी वो यही जानते हैं कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा तो वो लड़ेंगे ही नहीं, कन्फर्म है। तो किसकी सरकार देगी? बीजेपी 400 पार। ये कह रहे बीजेपी 400 पार? हाँ, बीजेपी 40 पार जरूर हो जाएगी, 100 सीटें लाने वाले नहीं है, लिख के रख लो, क्योंकि अपोजिशन ने इलेक्शन लड़ा नहीं था। आज अपोजिशन 2 साल की तैयारी के बाद इलेक्शन लड़ रही है, नरेंद्र मोदी को वॉकओवर मिलने वाला नहीं है, ये लिख के रख लो। नरेंद्र मोदी को पसीने आ जाएंगे जब कैंपेन में जाएंगे, आवाम सवाल करेगा। हम आपका किशन लाल यादव। कहाँ से? बक्सर जिला। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? लालू यादव, आरजेडी। आरजेडी है और रहेगी कब? बीजेपी को क्यों नहीं देना चाहते? बीजेपी को हम नहीं चिनते, पता नहीं कहाँ का है, हम जानते ही नहीं है कि बीजेपी कहाँ का है।
आरजेडी हम जानते हैं, आरजेडी मोदी जी को पूरा विदेश जानता है, आप कह रहे हैं हम नहीं जानते। हम नहीं जानते हैं, हम बिहार में खाली आरजेडी, बीजेपी नहीं। राहुल गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी को नहीं, बीजेपी को हम लोग नहीं। हम लोग 24 में किसको वोट देंगे? आरजेडी के दिया, आरजेडी के, आरजेडी हाँ पक्का पक्का आरजेडी दिया। नीतीश कुमार बदल गए, बीजेपी में चले गए। अब नीतीश कुमार बदल गए तो बदल गए, पलटू कुमार के हमनी के जरूरत नहीं थे, हमनी के अकेले ही संभाल दिया। आरजेडी रही तो ना परी रही, बंद करो आरजेडी रहेगा भैया। एजुकेशन की मैं बात करूं तो बिहार में चीटिंग करके तो पेपर पास होता है। हाँ वो तो होता ही है, अगर हाँ उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, बिहार के शिक्षा की, तो कैसे हालात है? अभी सही, अभी तेजस्वी जी आए थे, पूरा बिहार में नौकरी वोकरी सब शिक्षा में दिए हैं, अभी तो सही है। 17 महीने में 5,00,000 नौकरी दिए हैं, यह तो सही है। हाँ तेजस्वी यादव के आने चाहिए, कंफर्म है। राकेश कुमार कहाँ से? बिहार से। किसकी सरकार 2024? तेजस्वी सरकार आएंगे हमारे तरफ से, बिहार से। हाँ तो मोदी सरकार नहीं आएगी? नहीं आएंगे। वो तो कहते सबका साथ सबका विकास। नहीं कुछ नहीं आएगा, नहीं कोई विकास नहीं है, कुछ है क्या के? कुछ भी नहीं किया, झूठे तो खाता खोलवा दिया, खाता में पैसा है ना, झूठे तो खोलवा के क्या वो प्रूफ बनाया कि खाता सबका, कोई खाता नहीं है। जीरो बैलेंस खाता खोलवाया, पैसे है ये नहीं, तो खाता खोलवाने से फायदा क्या है? महंगाई के लिए आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, महंगाई के लिए तो बहुत कुछ, महंगाई बढ़ा दिया, हर चीज़ का बना दिया, बहुत कुछ महंगाई है, क्या बताएं, हर चीज़ महंगाई है। नौकरी की बात की थी देने के लिए, नौकरी आई है? कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं नौकरी दिया, पढ़े लिखे तो रोजगार बिना मर रहा है, ऐसी है। बाबा मैं पढ़ाता है काहे के लिए कि चलो हमारा बाल बच्चा पोस्टिंग पर जाए, कुछ अच्छा करे, धंधा करे, चाहे कुछ भी करे, कुछ भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हम कमा रहे हैं उस हमारे से भी बदतर वो है, पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, रोजगार ही नहीं तो क्या कर पाएंगे वो। लेकिन अभी हमने राम मंदिर खोल दिया तो रोजगार आज या पहले राम मंदिर नहीं था, पहले मंदिर नहीं था रोजगार, पहले मंदिर मंदिर रोजगार हो गया, पूजा पाठ पहले मंदिर नहीं हो रहा, धर्म है अभी ना जाके धर्म कर सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं, सब ढोंग है, कुछ भी नहीं है। हाँ क्या राम पहले मंदिर नहीं था, पूजा पाठ नहीं हो रहा था क्या? राम मंदिर बना दिया था तो मोदी बना दिया। तो बता तो रहा यूपी में बनाया। हाँ जैसे आया है तो बेरोजगारी खत्म होगा नहीं? नहीं है वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, सब पूर्व। अच्छा कांग्रेस सरकार नहीं आएगी? नहीं है, कांग्रेस सरकार तो आईबे करेगी। हाँ बीजेपी नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्रवीण कुमार सिन्हा कहाँ से? वसुंधरा गाजियाबाद। सर क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी। तो अगर मैं बात करूँ तो सबका साथ सबका विकास है? विकास हाँ है। लेकिन वहीं पर बीजेपी पर आरोप लगता है वो जुमलेबाज की सरकार है? नहीं नहीं वो गलत है, सब 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 गलत है। काम गिनवाएंगे बीजेपी के कुछ है? उन्होंने बहुत काम किया है, तो राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में जो 500 साल से पड़ा हुआ था पेंडिंग, और पूरे विश्व में भारत की छवि काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके अलावा जो ट्रेनें चली हैं, नमो भारत चली है, वंदे भारत। बेरोजगारी एक मुद्दा बनता जा रहा है सबसे बड़ा। बेरोजगारी क्या, रोजगार तो मिला तो है, जब इतने काम हो रहे हैं, इतने रोड बन रहे हैं तो रोजगार तो मिल ही रहा है लोगों को, इतने टनल बन रही है कर, वो तो कहने वाले तो कहेंगे ही, जो अपोजिशन वाले हैं वो तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, लेकिन आखिर रोड बन रही है तो अपने आप तो बन नहीं रही है, बिना रोजगार के तो बन नहीं रही है। जो टनल बन रहा है बिना रोजगार के तो बन नहीं रहा है, उनको रोजगार तो मिल ही रहा है, तो ये तो बस कहने वाली बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं। आपसे बात करो तो ये कह रहे रोजगार मिल रहा है? भाई जी मिल रहा जी, मोदी सरकार में बढ़िया चल रहा काम से। हाँ मोदी के कन्फर्म सारी सीट मोदी के लिए करनी है, एक दो लिखनी है हर किसी के बस। हम आपका हलीमुद्दीन कहाँ से? किशनगंज जिला का। हम सरकार तो मोदी तो बढ़िया था, लेकिन गद्दारी कर रहा है वो, जो सब जो गद्दारी जो चमचा सब क्यों? वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, कभी तो गद्दारी नहीं कर रहा वो बेचारा, लेकिन इस बात को सुनो
उनने तो सही काम कर रहा, लेकिन नेताजी सब जो है, जो चमचा सब है, वो गद्दारी कर रहा नेता सब, वो सब। हम कांग्रेस का सरकार है। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनाओ, चक्रबंदी बनाओ, लेकिन वो तो हर वार्ड में वोट चोरी कराओ। क्या बीजेपी वोट चोरी करती? नहीं, मोदी ने कर रहा, हर वार्ड में चोरी कर रहा, हर वार्ड में चोरी करता हो वोट का मोदी ने। 2024 में चलेगा, आएगा तो राहुल गांधी आएगा, नहीं आएगा।